नमस्ते दोस्तों वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट वापस आ गए हैं शार्लेट एडवर्ड्स के नेक्स्ट प्रीव्यू के साथ चार गेम्स हैं आज शार्लेट एडवर्ड्स के ये है 3:30 पीएम वाले का प्रीव्यू जो खेला जाएगा ब्लेज और सनराइजर्स के बीच में पहला हेड टू हेड गेम है दोनों टीम्स का दोनों टीम्स आपस में नहीं खेली है पहले एंड इस सीजन में ब्लेज अनबीटन रही है सो फार पांच गेम्स खेली है पांचों ही जीती है और टॉप पर है पॉइंट्स टेबल में वहीं सनराइजर्स लास्ट पर है एक भी गेम नहीं जीत पाई है अभी तक एंड फाइनल्स की रेस से बाहर है सो इट इज अ डेड रबर मैच फॉर ब्लेज बट फैंटेसी प्लेयर्स के लिए कोई डेड रबर मैच नहीं होता है इसलिए पेश है इसका प्रिव्यू आपके लिए अब बात करें वेन्यू एनालिसिस की तो ये गेम खेला जाएगा ट्रेंट ब्रिज नॉटिंग में जहां पे एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर देखा गया है 123 ट्वेंटी का इसके अलावा जो टीम सेकंड बैटिंग कर रही है वो लास्ट छह गेम्स में से चार बारी जीती है तो टॉस के बाद मोस्टली जो टीम है वो डिसाइड करती है पहले बॉलिंग करने की एंड अगर पेस वर्सेस स्पिन की बात करें तो दोनों को ही ऑलमोस्ट इक्वल मदद मिली है यहाँ पे 26 विकेट्स निकाली हैं स्पिनर्स ने और वहीं 25 विकेट्स निकाली हैं पेसर्स ने अब बात कर लेते हैं स्क्वार की दोस्तों तो पहले है ब्लेस का स्क्वार जो कि लीड करेंगी कोस्टी गॉर्डन एंड उसके बाद आ जाता है सनराइजर्स का स्कॉर्ड जो कि लीड करेंगी कैली कासिल जैसे कि मैं आपको बताती आ रही हूँ स्क्वार में आप एक या दो चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हो वांस दे अनाउंस देयर स्कॉड ऑन देयर रिस्पेक्टिव ट्विटर हैंडल्स एंड आपको वो चेंज स्क्वाड मिल जाएगा हमारे ट्विटर हैंडल पे एंड ऑल्सो हमारे पिंड कॉमेंट में अब चलते हैं टॉप परफॉर्मर इस वेन्यू पर पहले आ जाती है ब्लेस की ऑलराउंडर सैरा ग्लैन जो की आठ इनिंग्स खेल चुकी है इस वेन्यू पर और नाइन विकेट्स भी निकाल चुकी हैं स्ट्राइक रेट हाई सेवेंटीन का नेक्स्ट टॉप परफॉर्मर इस वेन्यू पे होंगी ब्लेस की कैप्टन कर्स्टी गॉर्डन जो की दो बारी खेली है इस ग्राउंड पे और तीन विकेट निकाली हैं इसके अलावा लूसी हिगम भी एक मैच खेल चुकी है इस ग्राउंड पे जहां पे उन्होंने थ्री फोर लिया था अब चलते हैं और डिफरेंशियल पिक्स की तरफ़ सेक्शन वाइज तो पहले बात करेंगे विकेट कीपिंग सेक्शन में यहाँ पे हमारी टॉपिक रहेगी ब्लेस की सारा ब्राइस कंटिन्यू करेंगी ओपन करना बहुत ही अच्छा खेलकर आ रही है पिछले मैच में सिक्सटी नॉट आउट बनाया उन्होंने ऑन अ वेरी वेरी चैलेंजिंग डेक इसके अलावा इस कंपटीशन में पांच इनिंग्स में 41 की एवरेज से रन बना चुकी हैं चले बैटर सेक्शन की तरफ तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट टॉपिक रहेगी ब्लेस की जॉर्जिया बॉयस नंबर तीन पर बैटिंग करते हुए दिखती है एंड पहले थंडर की तरफ से खेलती थी तो ऑलरेडी सनराइजर्स के अगेंस्ट दो हेड टू हेड मैचेस खेल चुकी हैं जिसमें 33 की एवरेज से 65 फाइव रन बनाए इन्होंने एंड अभी तक इनका कंपटीशन में भी रिकॉर्ड अच्छा रहा है फाइव इनिंग्स में 132 थर्टी बना चुकी हैं जो अगली टॉपिक बैटर सेक्शन में रहेगी वो है सनराइजर्स की राइट हैंडेड बैटर कॉडिली ग्रिफिथ सनराइजर्स की लीडिंग रन गेटर हैं इस सीजन में 140 फोर्टी रन ऑलरेडी बना चुकी हैं इसके अलावा सनराइजर्स के लिए ऑल टाइम लीडिंग रन गेटर भी हैं जहां 336 थर्टी सिक्स रन बना चुकी हैं ट्वेल्व इनिंग्स में एंड जब पिछले मंथ ये दोनों टीम्स आमने सामने आई थी इंग्लिश डोमेस्टिक वनडे कप में वहां पे भी फोर्टी थ्री बनाकर आ रही हैं अब मैं बात करूं अगर ऑलराउंडर सेक्शन की तो पहले टॉपिक हमारी नो ब्रेनर पिक है नडीन डी क्लर्क ब्लेज की ऑलराउंडर लीडिंग विकेट टेकर हैं इस सीजन की 11 विकेट्स ऑलरेडी निकाल चुकी हैं अभी तक किसी भी गेम में विकेट लिस्ट नहीं गई हैं ये लास्ट गेम में भी थ्री फॉर लेकर आ रही हैं सेफ कैप्टनसी मटेरियल उस गेम में भी थी और इस गेम में भी रहेंगी इसके अलावा बैट से भी कंट्रीब्यूट कर चुकी हैं जितनी भी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज मिली हैं इन्हें उसमें फिफ्टी सिक्स ऑलरेडी बना चुकी है जो नेक्स्ट टॉपिक ऑलराउंडर सेक्शन में रहेगी वो है सनराइजर्स की मैडी विलियर्स सनराइजर्स के लिए जॉइंट लीडिंग विकेट टेकर हैं इस सीजन में सेवन विकेट्स निकाल चुकी हैं बैटिंग से अभी तक इतना खास कुछ कर नहीं पाई हैं बट अभी भी ओपन करते हुए दिखेंगी आप लोगों को पिछले गेम में एक विकेट निकाल कर आ रही हैं चार ओवर्स डाले थे और ट्वेंटी रन दिए थे एंड इसके अलावा शी इज शीजी ओनली सनराइजर्स बोलर जो हर एक गेम में विकेट निकालने में सक्सेसफुल रही हैं जो लास्ट टॉपिक ऑलराउंडर सेक्शन में होगी वो है सनराइजर्स की ही ग्रेस क्रिविन्स अच्छा रहा है इनका सीजन बॉलिंग से अभी तक पांच विकेट्स निकाल चुकी हैं पांच इनिंग्स में सिर्फ 26 सिक्स रन पीछे हैं सनराइजर्स के लिए ऑल टाइम लीडिंग रन गेटर बनने में बट सनराइजर्स के लिए ऑल टाइम लीडिंग विकेट टेकर जरूर हैं ये जहां पे 17 विकेट्स निकाल चुकी हैं स्ट्राइक रेट रहा है 20 का डिफरेंशियल पिक जो हम नॉमिनेट करेंगे ऑलराउंडर सेक्शन में वो होगी जो गार्डनर सनराइजर्स की पिछले गेम में अनबीटन थर्टी सेवन बनाकर आ रही हैं हाईएस्ट स्कोरर थी सनराइजर्स के लिए उस गेम में एंड उस गेम में भी हमारी डिफरेंशियल पिक थी ये टीसन सीजन रहा है इनका बैटिंग से अभी तक ऑल तो काफी नीचे बैटिंग करती हैं फिर भी ये 92 टू रन ऑलरेडी बना चुकी हैं और दो विकेट्स भी निकाल चुकी हैं एंड पिछला गेम जो इन्होंने इस वेन्यू पे खेल रहा था उसमें भी एक विकेट निकाल कर आ रही हैं अब चले बोलिंग सेक्शन पे तो फर्स्ट टॉपिक हमारी रहेगी यहाँ पे सनराइजर्स की राइट आर्म मीडियम पेसर कैली कासिल सनराइजर्स की जॉइंट लीडिंग विकेट टेकर है मैडी विलियर्स के साथ इस सीजन में ये भी सात विकेट्स निकाल चुकी हैं केवल एक विकेट बिहाइंड है सनराइजर्स की ऑल टाइम लीडिंग विकेट टेकर बनने में 16 विकेट्स ले चुकी हैं अभी तक इसके अलावा लास्ट फाइव इनिंग्स में इस सीजन में सिर्फ एक बार विकेट लेस गई हैं बाकी चारों गेम्स में विकेट्स निकाली है इन्होंने एंड पिछले मन जब ये दोनों टीम आमने सामने आई थी इंग्लिश डोमेस्टिक वनडे कप में उसमें भी दो विकेट्स लेकर आ रही है नेक्स्ट टॉपिक जो बोलिंग सेक्शन में होगी वो है ब्लेज की सेरा ग्लेन पिछले दो मैचेस में रेस्ट करते हुए दिखी है बट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस मैच में खेलते हुए दिखेंगी काफी बढ़िया वेन्यू रिकॉर्ड है इनका जो हम डिस्कस कर चुके हैं फोर फोर लेकर आ रही है पिछले इंग्लिश डोमेस्टिक वनडे कप में जब ये दोनों टीम आमने सामने खेली थी एंड इसके अलावा लास्ट इलेवन आउटिंग्स अगर मैं इनकी इस कॉम्पिटिशन में देखूँ तो केवल दो बार ये विकेट लेस गई है एंड बाकी सारी इनिंग्स में विकेट निकाली हैं इन्होंने लास्ट टॉपिक बोलिंग सेक्शन में रहेगी कर्स्टी गॉर्डन ब्लेज की कैप्टन पिछले गेम में टू फर लेकर आ रही हैं बहुत ही ब्रिलियंट बोलिंग स्पेल था इनका लास्ट गेम में इसके अलावा इनका वेन्यू रिकॉर्ड अच्छा है हम डिस्कस कर चुके हैं एंड ये भी इंग्लिश डोमेस्टिक वनडे कप में जो लास्ट मंथ खेला था उसमें दो विकेट्स निकाल कर आ रही हैं डिफरेंशियल पिक की अगर मैं बात करूं तो हम यहाँ पे नॉमिनेट करेंगे ब्लेस से सोफी मुनरो को पिछले गेम में इन्होंने दो अपने ओवर्स डाले थे दोनों ही डेथ में डाले थे और एक विकेट निकाली थी उस गेम में भी हमारी डिफरेंशियल पिक थी ये इसके अलावा ये भी इंग्लिश डोमेस्टिक वनडे कप के मैच में ट्वेंटी रन बनाकर आ रही है और दो विकेट भी निकाल कर आ रही हैं एंड पांच विकेट निकाल चुकी हैं पांच इनिंग्स में इस सीजन में अभी तक अब मैं बात करती हूँ कैप्टन सी पिक्स की दोस्तों तो यहाँ पे हम नॉमिनेट करेंगे पहले सनराइजर्स की ऑलराउंडर ग्रेस क्रिविन्स को और ब्लेस की ऑलराउंडर नडीन डी क्लर्क को पिछले गेम में भी सेफ कैप्टन थी हमारी 250 पॉइंट्स दिलाए थे इन्होंने हमारी टीम को बात करें डिफरेंशियल पिक की तो मैं यहाँ नॉमिनेट करूंगी सनराइजर्स की ऑलराउंडर मैडी को और ब्लेज की ऑलराउंडर सारा ग्लेन को तो अब बात कर लेते हैं बेस टीम की तो बेस टीम में हमारे विकेट कीपिंग सेक्शन में रहेगी सारा ब्राइस बैटर सेक्शन में रहेगी जॉर्जिया बॉयज कोडिल गिफिथ ऑलराउंडर सेक्शन में रहेगी ग्रेस क्रिविन मैडी विलियर्स नडीन डी क्लर्क और बोलिंग सेक्शन में रहेगी सारा ग्लेन केली कासल और कॉस्टी गॉर्डन तो ये था हमारा इस गेम का प्रीव्यू। इसके अलावा जो बाकी तीन गेम्स हैं उनके प्रीव्यूज भी हम कवर कर रहे हैं वो आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ हमारी ऐप पर तो व्यू स्पोर्ट का ऐप डाउनलोड करना मत भूलिएगा वाइटॅलिटी के भी सारे गेम्स का प्रिव्यूज मिलेगा आपको हमारी ऐप आप पर जल्द मिलेंगे नेक्स्ट फैंटेसी प्रिव्यू के साथ थैंक यू सो मच